अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपने अक्सर चुनावी सभाओं में सुना होगा कि नशा मुक्त समाज का हमें निर्माण करना है। नेता अक्सर कहते सुने होंगे कि नशा समाज का दुश्मन है, लेकिन अब उन्हीं रहनुमाओं के बोल बदल गए हैं और दावों में तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये कि नशा ही वो दवा है जिसकी बिना पर नेताओं को देश की तरक्की दिखाई देती है। यही वजह है कि कोरोना काल में भी नशेड़ियों के लिए खुलेआम नशे की बिक्री की छूट दे दी गई है। दावा किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन लॉकडाउन के बीच खुले शराब के ठेकों पर हर नियम को ताक पर रख दिया गया और देश की अर्थव्यवस्था में अपना अनुपम योगदान हमारे बेवड़ों ने देना शुरू कर दिया। वो बात अलग है कि इससे महामारी का खतरा और बढ़ गया। साथ ही खुलासा ये भी हो गया कि आदमी तो नशे के बिना जिंदा रह सकता है और रह रहा था, लेकिन सरकार की सांसें उखड़ने लगी और नशे के कारोबार को संजीवनी की तरह सरकार ने बेचने की छूट दे दी। जब सरकार को लगा कि दांव उल्टा पड़ रहा है तो दिल्ली से लेकर यूपी तक अब तैयारी शराब की होम डिलीवरी की हो रही है। मतलब जो दावे कर रहे थे नशा खत्म करना है, अब वो नशे की खेप आपके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। गजब है हमारे देश के मातहत जो कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क करने से भी नहीं चूकते। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की बिक्री शुरू करने की अनुमति दी गई। अब प्रदेश में योगी सरकार भी होम डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार कर रही है। दरअसल शराब की बिक्री शुरू करने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में सरकार को 12 मई तक नोटिस का जवाब भी देना है। फैसले से पहले ही सरकार अब मदिरा के शौकीनों के घर तक शराब की डिलीवरी करने पर विचार कर रही है। आबकारी विभाग की माने तो सरकार दूसरे राज्यों में शुरू की गई इस व्यवस्था का अध्ययन कर रही है। अगर वहां ये सफल होता है तो यूपी में भी होम डिलीवरी की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन राज्यों में ऑनलाइन की बिक्री हुई है उन राज्यों के परीक्षण के बाद ऑनलाइन बिक्री पर विचार किया जाएगा। गजब की बात यह है कि ठेकों में सुरतिया के सुरूर में देश के युवा झूम झूम कर नियमों की धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं और सरकार का दावा है कि पहले नियम टूटे थे, अब सब सही दिख रहा है। इस बात पर तो सरकारी मुलाजिमों के लिए स्लो मोशन में ताली पीटने का मन करता है, साथ ही सवाल पूछने का भी मन करता है कि आखिर शराब ही क्यों अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है? अन्य धंधे भी तो हैं, अपना योगदान देते हैं। शराब के ठेकों पर एक दिन नियमों का उल्लंघन हुआ, बाद में सब सही हो गया, तो फिर अन्य संसाधनों पर भी एक दिन का उल्लंघन बर्दाश्त क्यों नहीं कर लिया जाता और बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आना चाहिए। नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार का तर्क ठीक वैसा ही है जैसा सामने कुआं है और आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो एक सिर्फ छोटा सा गड्ढा है। मामले पर अब विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सपा समेत तमाम दलों ने इस नशे की होम डिलीवरी पर आपत्ति जताई है, साथ ही महामारी का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। लेकिन इन सबसे परे ठेकों पर शराब की बिक्री और नियमों की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी है और होम डिलीवरी की तैयारी है। बेवड़ो खुश हो जाओ, आपको अब घर बैठे सुरतिया का सुरूर और उसका स्वाद चखने का मजा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।